हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका होमब्रू इंडिया पे। अगर आप यहाँ नए हैं तो आने के लिए बहुत शुक्रिया, और अगर आप चाहते हैं और जानना फर्मेंटेशन और ब्रूइंग के बारे में तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। तो गाइस, गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों के जितने भी टेस्टी फ्रूट्स होते हैं वो सब मार्केट में मिलने लग गए। उनमें से एक फ्रूट है मैंगो। तो चलिए आज मैंगो से ही कुछ करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो एक सीक्वल है एप्पल साइडर रेसिपी वीडियो का, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके क्या वो वीडियो देख लें। आज हम करेंगे हमारी एप्पल साइडर को मैंगो से फ्लेवर। जो भी इक्विपमेंट आज हम यूज करेंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक्स मिल जाएंगी। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं फ्लेवर करना अपनी एप्पल साइडर को। गाइज, यहाँ मेरे पास एक ज़िपलॉक बैग है जिसके अंदर 150 ग्राम चॉप्ड आम है। मैंने यहाँ पे आपस आम लिया है, लेकिन आप कोई सा भी आम ले सकते हैं। इसे बैग में रख के 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल दीजिए। इससे इसका फ्लेवर और खुल के आएगा और फर्मेंटेशन भी बहुत आसानी से होगी। चलिए अब मैं इसको एक कंटेनर में खाली कर दूंगा, जिससे मेरे को ये डालने में आसानी रहेगी। याद रहे कि हमें सारा इक्विपमेंट सैनिटाइज करना है, यहाँ तक कि ये ज़िपलॉक बैग भी मैंने सैनिटाइज किया है। अगर आपने सैनिटाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। तो गाइस, जो हमारी एप्पल साइडर ऑलरेडी बन चुकी है उसके ऊपर का एयर लॉक निकाल के एक बार साइड में रख देंगे। जो अब हमारा मैंगो है, हम उसे एक कुप्पी की मदद से डेमेजॉन में डाल लेंगे। हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुप्पी को थोड़ा शेक करना पड़े, जिससे मैंगो इजीली अंदर जा पाएगा। मैंगो अंदर डालते ही हम हमारा एयरलॉक एक बार फिर लगा लेंगे, और हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो गाइस, 3 दिन हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अपनी साइडर बिल्कुल तैयार है। तो अब बस अपन सैनिटाइज्ड कुप्पी और एक सैनिटाइज्ड मलमल के कपड़े को लेंगे और इसको दूसरे कंटेनर में छान लेंगे। इससे ये होगा कि इसका गूदा जो है पल्प वो अलग हो जाएगा और हमको नीचे एक क्लीन साइडर मिल जाएगी। अब बस मैं इस जग में से साइडर को इस बॉटल में डाल लूंगा, जिससे मैं आगे तक इसको स्टोर कर पाऊं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कैसी बनी है। जो पहले से एक अच्छी एप्पल साइडर थी वो अब एक बहुत अच्छी मैंगो साइडर बन चुकी है। गाइस, इसे सूंघने में बहुत ही अच्छी मैंगो की एक फ्रेग्रेंस आ रही है, और थोड़ी बहुत मेरे को एप्पल की खटास भी सूंघने को मिल रही है। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल है। गाइस, इसके टेस्ट में मैंगो बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। मुझे हल्की हल्की एप्पल की भी स्मेल आ रही है। ओवरऑल गाइस, मेरे को बहुत अच्छी लगी है मैंगो साइडर। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।